ओम शांति। आज की तारीख है 5/3/2023, 5 मार्च 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 10/1/1994 में बाबा के द्वारा सुनाई गई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से स्मृति बस स्वरूप में लाना। एक पॉइंट शब्द को, एक बिंदु शब्द को तीन रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। तो आज बाबा बताएंगे कि हमें पॉइंट माना बिंदु को तीन तरह से कैसे यूज करें। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है। हर एक नंबरवर पुरुषार्थ रखने करने के लिए लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक अपना नंबर वन पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख रहे हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर वन का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। जो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों? ज्ञानदाता बाबा भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी सब बच्चों के लिए एक ही है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक ही है। तो फिर बाबा कहते हैं लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? जो लक्ष्य रखते हो वैसे लक्षण तुम्हारे चलन में क्यों नहीं आते? अब मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। अब ये पढ़ाई और पालना देने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, तो वही एक है और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्ष्य धारण करने में मैं किस नंबर पर हूँ। नंबर वार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना, दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है। उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। कोई भी संकल्प बोल कर्म बाबा कहते हैं व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना जो व्यर्थ है। व्यर्थ को पॉइंट लगाना, बिंदु लगाना माना बिंदी लगाना। तीसरा ज्ञान की धारणा के अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। जो भी बाबा का ज्ञान का मुरली से भी जो भी आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स लगते हैं जिसे आप स्वयं ने धारण किए हो, ऐसे पॉइंट्स को मनन करके पहले स्वयं धारण करना फिर औरों को भी कराना। तो शब्द एक ही है पॉइंट, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाने में अंतर पड़ जाता है। शब्द है एक बिंदी, लेकिन बाबा कहते हैं इसको स्मृति और स्वरूप में लाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार रहते हैं, जानते हैं मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसा होना चाहिए ये भी सोचते हैं, सोचते रहते हैं ये गलत है, ये सही है, ये ज्ञान भी मर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है माइट भी है वहाँ ये होना चाहिए नहीं होता। अब जहाँ पर बाबा कहते हैं लाइट भी है और माइट भी है वहाँ पर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बाबा कहते हैं ये चीज़ नहीं होती। क्या सोचते हैं बाबा कहते हैं तो बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, ये जो चाहिए चाहिए में रह जाता है। इसका अर्थ है ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा पाते। इसको कहा जाता है स्मृति में है लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है तो ये गलत है, ये सही है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी बा समझदार कहेंगे।
ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, भक्त भी अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। समय की गति को देख के बाबा बच्चों को बार बार, अब समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आने वाला समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और चारों तरफ इस धरा पे बहुत नए नए चीज़ें हो रही हैं, कहीं तूफान आ रहा है तो कहीं भूकंप आ रहा है, तो समस्याएं, नई नई समस्याएं हर दिन बढ़ती जा रही हैं, कहीं भूखमरी है तो कहीं कुछ है। तो बाबा कहें बार बार इसीलिए समय की गति को देख के बाबा अब हम बच्चों को अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं, ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तेजी से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो गलत को सही अनुभव करा देती है। माया इस तरीके से आपके सामने आती है, बाबा कहते हैं जानते हैं बच्चे की गलत है लेकिन फिर भी वो सही अनुभव कराती है, है बिल्कुल गलत लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित करती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल गलत लेकिन माया क्या करेगी, छाया के वशीभूत होने के कारण गलत को भी सही समझ जाते हैं और उसे सिद्ध करने में भी माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं, अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि हम भले ही वो गलत है लेकिन उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस बात को सिद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाते हैं, वो हम सबका पिता है, बहुत अच्छी रीति से बच्चों को जानता है। तो वकील क्या करते हैं, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं ना, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, दोनों में होशियार होते हैं। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य करा रहे हैं। समझा तो अब क्या करेंगे, केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं कि अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाबा की छत्र छाया में अपने को, विशेषकर मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है, बुद्धि में बहुत यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है, माया बुद्धि को इस तरह से भटका रही है, ऐसे ऐसे आकर्षण आ रहे हैं बच्चों के सामने जो गलत को भी सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को सही, सही क्या है गलत क्या है ये महसूसता बच्चों में कम हो रही है, तो बाबा कहते हैं ये माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना तो सीजन से बचने के लिए उसी की तरह अटेंशन रखा जाता है, जैसे बारिश आएगी तो छाता रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े पहनेंगे, अटेंशन देते हैं ना, तो मन बुद्धि के ऊपर प्रभाव ना पड़े इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। अब वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया था, एक है पॉइंट शब्द, सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया, कहते हैं बाबा मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं, कहते तो हैं मैं आत्मा पॉइंट स्वरूप हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं, लगाना चाहते हैं पॉइंट लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी।
पॉइंट लगाना अर्थात सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? अब बाबा कहते हैं पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी या फिर क्वेश्चन मार्क की निशानी लगाना सहज है, बताओ। बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो, क्यों इतने प्रश्न उत्तर ऐसा क्यों क्या कैसे में आ जाते हो? इस विधि को अपनाओ। अब सीजन चल रही है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल फैशन है ना, झूठी चीज़ भी सच्ची दिखाते हैं, कोई झूठी चीज़ होती है उसको भी सिद्ध करके दिखाते हैं ये सच है। झूठी चीज़ आकर्षण वाली भी होती है, झूठी चीज़ को सिद्ध भी करते हैं कि ये सही है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है बाबा कहें। अब रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। जो रियल सिल्वर होगा वो काला हो जाएगा और जो वाइट सिल्वर होगा वो सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण सबसे ज़्यादा कौन सा करेगा, जो सफ़ेद होगा, जो वाइट करेगा या रियल करेगा? तो बाबा कहें सीजन को पहचानो और माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी सही कर देते हो। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर बाबा कहें ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या अब नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाबा थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। बाबा कहें जज बनो, माया के वकील नहीं बनो कि बाबा ऐसा हो गया था इसलिए हमने ऐसा कर लिया, बाबा ये परिस्थिति ही ऐसी थी इसीलिए हमसे गलती हो गई। तो बाबा कहें माया के वकील नहीं बनो, जज दो, जजमेंट दो। मज़ा बहुत आता है जब वकालत करते हैं, अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है, सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा? बाबा पूछते हैं अच्छी तरह से इस बात को समझे कि अब क्या करना है, जज करना है, मालिक बनना है मुझे आत्मा को, ना कि वकालत करनी है गलतियों की। तो बाबा कहें टीचर्स ने समझा? सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बाबा सबका फ़ोटो निकाल रहे हैं, जो बच्चे हाँ हाँ कर रहे हैं बाबा हर एक का फ़ोटो निकाल रहे हैं। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो नहीं था, अभी पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी अभी आ गया। अब बाबा कहें इसका कारण, इसकी विधि का विस्तार फिर बाबा कभी सुनाएंगे कि ये संस्कार कैसे आया। बाबा कहें चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाबा के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को, सदा शिव बाबा की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं चलाने के निमित्त हो। शक्ति सेना माना बाबा के कुमारियों को बाबा शक्ति सेना बुलाते हैं, माताओं को जगत माता, कुमारियों को शक्ति सेना और पांडवों को कुमारों को पांडव। तो बाबा कहते हैं शक्ति सेना बहुत अच्छे से चल रही है और दादियाँ बाबा कहते हैं आप सब निमित्त हो उनको चलाने के। बाबा तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएँ तो हैं ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो।
कितनी मजे की बातें सुनते हो। खेल लगता है ना, खेल है ना, खेल खेल में विजय बन, सभी को माया जीत विजयी बनना ही है, ये तो गारंटी है ही, लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं। तो थकते तो नहीं हो, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता है, वाह ड्रामा वाह। कोई भी बाबा कहते हैं परिस्थिति रूपी खेल आती है तो दिल से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अब बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजय हम सब बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, कल्प पहले भी हम विजयी हुए थे और अब फिर विजयी बनेंगे, तो इस निश्चय के साथ और नशे के साथ निर्विघ्न बनाओ। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाबा है, ऐसे ही हम आत्माएं भी ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाबा के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा कितनी संज्ञा बच्चों की गाते हैं, कितना बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं कि देवताओं से भी ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो ये दुनिया वाले नहीं जानते, देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना, देवता रूप में बाबा का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंचे हो तो कितना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि आप अविनाशी हैं और अविनाशी बाबा जो ज्ञान देते हैं वो भी अविनाशी है। अब आप आत्मा अविनाशी हो, बाबा जो अविनाशी शिव परमात्मा जो निराकार है जो हमको ज्ञान देते हैं वो ज्ञान भी अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो स्मृति दिलाते हैं वो भी अविनाशी है, कभी कभी की नहीं। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है या कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब ये नशा सदा रहेगा कि मैं आत्मा अविनाशी, मेरा बाबा अविनाशी और बाबा का ये ज्ञान अविनाशी। तो बाबा कहते हैं मज़ा तो तब आएगा जब ये नशा तुम बाबा के बच्चों को सदा चढ़ा रहेगा, कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में रहेंगे कभी मूंझे हुए रहेंगे, तो अभी अभी मज़ा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे, तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, बाबा पूछते हैं निरंतर खुश हो, निरंतर मजे में हो, अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो, या घर में जाती हो तो साधारण माताएँ बन जाती हो। अब बाबा कहते हैं शक्तियाँ हो ना आप, तो ऐसा तो नहीं घर में जाती हो तो साधारण बन जाती हो। सदा ये याद रहे कि हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं, शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही असुर संहारिणी अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली, असुर संहारिणी अर्थात जो भी हमारे कमज़ोर संस्कार हैं, जो खराब संस्कार हैं, उनको संहार करने वाली असुर संहारिणी। तो सभी शक्तियाँ ऐसी बहादुर हो, पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी ये नहीं कह सकते कि चाहते नहीं थे लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है। अब द्वापर से बाबा कहते हैं हार ही खाते आए हो, माया ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तो अभी विजय प्राप्त करने का समय है। विजय के समय पर यदि हार खाएंगे तो फिर विजयी कब बनेंगे, इसीलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं और यहाँ तो सहज मिलता है।
विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा वह खुशी भी रहती है। बाबा कहते हैं अधिकार का जो हमारा अधिकार है विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा कहते हैं इसका नशा इसकी खुशी आप सब बच्चों को रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। अब प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सोएगा खाएगा तो भी नहीं भूलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद के अधिकार में कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आप बच्चों का काम क्या है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी हैं और विजय के भी आप अनुभवी हो। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को भी आप बाबा के बच्चे जानते हो। इसीलिए सदा विजयी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं है बने तो हैं जानते तो हैं, ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में हैं तो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि अभी ऐसे नहीं बनना है बन रहे हैं, नहीं आप जानते हो तो निश्चय करके चलो। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसीलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फाउंडेशन क्या हुआ निश्चय, निश्चय में कभी कभी बाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप रहेगा, तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं करा सकेंगे, कर लेंगे हो जाएगा नहीं करना ही है ये निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना और क्या होगा, हो ही जाएंगे नहीं अभी होना है। बाबा कहते हैं ये गे नहीं करो। जब दूसरे को चैलेंज करते हो, श्वास पर कोई भरोसा नहीं औरों को ज्ञान देते हो, फिर पहले स्वयं को ज्ञान दो। दूसरे को ज्ञान देते हो ना, श्वास का कभी भी भरोसा नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, बाबा को याद करो। तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं को ज्ञान दो, कभी करने वाले या अब करने वाले हैं। तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है तो कोई टाल नहीं सकता। अच्छा अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजय यथार्थ निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ विजय है विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो, औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल करके दिखाओ, करना ही है। करेंगे देखेंगे नहीं, बाबा कहते हैं गे नहीं कहना, माना निश्चय में परसेंटेज है। अब जब गे कहते हैं कर लेंगे देखेंगे, तो बाबा कहते हैं इसका मतलब पूरी तरह से निश्चय नहीं है, निश्चय में परसेंटेज है। ये सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं, किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए, ऐसा नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं ये करते हैं हम क्या करें। 3 मास विजयी रहकर दिखाओ, 3 मास में ही पता चल जाएगा। सभी हाँ करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। बाबा कहते हैं 3 मास से करके दिखाओ कि हम विजयी रहेंगे, अपने आप को अपने सेवा केंद्र को निर्विघ्न बनाएंगे, बल्कि जो ग्रस्त में है माताएं वो भी अपने घर को निर्विघ्न बनाएंगी। तो बाबा कहते हैं 3 मास ऐसा करके दिखाओ। अच्छा आज की मुरली से वरदान है, एक बाबा के प्यार में लव लीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। जो बच्चे एक बाप के लव में लव लीन रहते हैं वह सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायुमंडल से दूर रहते हैं।
क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सब बातों से सेफ रहना, लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, और जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ, लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अपनी पूर्वज स्टेज को याद करो, मैं देवता स्वरूप में मंदिरों में मेरा ही गायन हो रहा है। जब इस स्टेज में स्वयं को स्थिर करते हैं तो बाबा कहते हैं माया और प्रकृति के बंधन, कभी बहुत गर्मी, कभी सर्दी, कभी तूफान आए तो उसमें स्थिति अचल हो जाएगी, इन बंधनों से मुक्त होते जाएंगे। तो माया प्रूफ बच्चों को बनना है और बाबा के प्यार में समाये रहना है। बहुत अच्छी, बाबा ने आज हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई। तो बच्चे, माया बाबा ने कहा टेंशन रखना है, माया आजकल बहुत तरह तरीके के रूप बना के आपके सामने आएगी, कभी आकर्षण के रूप में, कभी वस्त्रों का आकर्षण, तो कभी किसी चीज़ का आकर्षण। लेकिन बाबा ने कहा है जैसे सीजन होती है ना, तो बाबा कहते हैं आपको माया के स्वरूप को पहचान कर, अपनी बुद्धि से उसको पहचान कर स्वयं को निर्विघ्न बनाना है। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, परमात्मा के स्नेह में समाई हुई परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ना, जब परमात्मा के स्नेह में समाये रहेंगे तो सब निर्विघ्न हो जाएगा, क्योंकि समाई हुई स्थिति में कोई भी आप विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ बाबा की याद, चाहे वायुमंडल का, चाहे प्रकृति का, किसी का भी प्रभाव ऐसी आत्मा पर पड़ नहीं सकता जो बाबा के स्नेह में समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।